हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको इंग्लिश टी20 ब्लास्ट से साउथ ग्रुप का जो आपको आज मैच खेला जाता दिखने वाला है ग्लौकेस्टरशायर और कैंट के बीच में। इस मैच के बारे में गाइस हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पूरे डिटेल में गाइस इस मैच की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखते रहें। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच की फाइनल टीम अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाय चांस अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम ना करें फिर आपको अपने टेलीग्राम में जाना है, सिंपली सर्च करना है @SK11Expert, आप कैपिटल लेटर में सर्च करिएगा। उसके बाद गाइज आपको हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको सिंपली उसमें ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए गाइज इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वेन्यू पर आते हैं, तो गाइज ये मैच खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में। ठीक है, पिच के बारे में बात करूं तो न्यूट्रल विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पर सभी के लिए हेल्प रहेगा, लेकिन ये लास्ट फेज़ अब टूर्नामेंट का स्टार्ट हो चुका है गाइस, तो यहां पर मे बी पिच स्लो हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हर साल यही होता है इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी मेरे हिसाब से आप न्यूट्रल मानकर चलिए, जो क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं उन पर फोकस करिए और बेस्ट से बेस्ट करिए। रिसेंट के दो मैचेस देख लीजिए गाइस जो यहाँ पर हुए हैं इस सीज़न। फर्स्ट मैच देखेंगे तो 160 बने, सेकेंड में लो स्कोरिंग गया 124 ही बन पाया। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में 17 में से 13 फास्ट को विकेट गए और 3 स्पिन को, दूसरे में भी 13 फास्ट को गए और 4 स्पिन को, यानी कि दोनों मैच में फास्ट बॉलर ने अच्छा किया और रन्स गाइस फर्स्ट में ठीक ठाक बने और दूसरे में कम बने। अब आगे बढ़ते हैं गाइस ग्लौकेस्टरशायर टीम पर आते हैं, तो ग्लौकेस्टरशायर की टीम अभी तक 7 में से 3 मैचेस जीती है और 4 मैचेस हारी है, और इनके टीम में गाइस आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिल ऑप्शन की वापसी हो चुकी है टीम में, तो वो आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। और यहाँ पर गाइस जो स्क्वाड से बाहर हुए हैं वो जेम्स बैरिसी बाहर हुए हैं, डैनी लैम्ब भी अवेलेबल नहीं है, क्रिस डेंट भी अभी अवेलेबल नहीं है। ये 3 प्लेयर बेंच पर हैं जिनके मुझे खेलने के कम चांस लग रहे हैं। ठीक है, और ये मुझे गाइस प्लेइंग 11 अभी के लिए खेलता दिख रहा है बैटिंग ऑर्डर के साथ। ठीक है, अब गाइस अगर आप बैटिंग के स्टैट्स पर फोकस करेंगे अभी तक के, तो रिल ऑप्शन जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्टार्ट मिला कन्वर्ट नहीं कर पाए, 34, 29, 20, 21 तीन इनिंग इनकी डिसेंट आई है। माइल्स हैमंड का देखेंगे वैसे तो इनकन्सिस्टेंट प्लेयर है, लेकिन लास्ट दो मैच से ठीक खेले, 34 एंड 61, उससे पहले एक 59 की भी अच्छी पारी खेली है। बेन वेल्स एक ही मैच खेले जिसमें 10, चार्ल्स वर्ड का देखेंगे 56, 52, उसके अलावा 41 तीन इनिंग इनकी अच्छी आई है। ओलिवर प्राइस 37, 25, 46 तीन इनिंग इनकी डिसेंट है। जैक टेलर कुछ खास नहीं कर पाए, पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे। जीवी वुरेन इनकी वापसी हुई है स्क्वाड में और ये आपको खेलते दिखेंगे गाइस। दो ही मैच में इनकी बैटिंग आई थी, दोनों में इंप्रेसिव रहे थे, 32 नॉट आउट एंड 28 नॉट आउट के साथ। बाकी जफर गोहर ने एक 37 नॉट आउट की अच्छी पारी खेली है और ज़्यादा प्लेयर की बैटिंग नहीं आई है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस बॉलिंग पर आते हैं। बॉलिंग का अगर आप देखेंगे लेखा जोखा, तो बॉलिंग में डेविड पेन के पास 27 ओवर की बॉलिंग में 10 विकेट है, टॉम टेलर के पास 23 ओवर की बॉलिंग में 8 विकेट, मैट टेलर के पास 21 ओवर की बॉलिंग में 6 विकेट, जफर गोहर के पास 19 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट, प्राइस के पास 14 ओवर की बॉलिंग में 10 विकेट, और डैनी लैम तो अवेलेबल है नहीं, तो उन पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, और गाइस साथ में मैंने लास्ट मैच के भी ओवर लिख दिए जिससे आपको ये पता चलेगा इस टीम के डेथ बॉलर कौन से हैं। तो इनके सबसे मेन डेथ बॉलर डेविड पेन है गाइस, ये 2 ओवर डेथ में डालते हैं, 1 ओवर मैट टेलर डालते हैं और 1 ओवर यहाँ पर प्राइस डाल सकते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं गाइस ग्लौकेस्टरशायर के लास्ट ईयर के स्टैट्स पर आते हैं, तो ये आप ग्लौकेस्टरशायर का लास्ट ईयर का स्टैट्स देख सकते हैं। रन्स में देखेंगे बैरिसी टॉप रन स्कोरर थे लास्ट ईयर के, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए, फिर जेम्स टेलर का नाम है, फिर हेमंत का और फिर डेंट का, डेंट भी अभी अवेलेबल नहीं है। विकेट्स में देखेंगे डेविड इनके टॉप विकेट टेकर थे, फिर टॉम स्मिथ का नाम है, पॉल वैन मिकरन भी अवेलेबल नहीं है। अब हम दूसरे टीम कैंट पर आते हैं गाइस, तो कैंट की टीम 8 मैचेस खेली है जिसमें से 3 जीती है और 5 मैच हारी है। इनके प्लेइंग 11 में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, जो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 खेला था मुझे वही खेलता दिख रहा है गाइस। अब अगर आप बैटिंग के स्टैट्स पर फोकस करेंगे तो डैनियल बेल ड्रमंड इस सीजन काफ़ी अच्छे रहे, 27, 52, यहाँ पर 25, 22, 89 एंड 66, अच्छी पारियाँ इन्होंने खेली है टूर्नामेंट में। बाकी टीम मुआयो का देखेंगे 59, 62, 22, 38, चार इनिंग इन्होंने भी ठीक खेली है। जो डैनली भी अच्छे फॉर्म में रहे, 35 नॉट आउट, 22, 27, 39, 41, 73 नॉट आउट, तो काफ़ी अच्छा खेले हैं जो डैनली। बाकी सैम बेलिंग्स का देखेंगे बिल्कुल भी अच्छे फॉर्म में नहीं रहे गाइस, वैसे प्लेयर बहुत कमाल के हैं, दो तीन इनिंग ही डिसेंट खेल पाए, 29, 30 एंड 24 नॉट आउट की। बाकी जॉर्डन कॉक्स का देखेंगे 38 नॉट आउट, 35, 23, ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए। जैक लेनिंग ये भी ज़्यादा कुछ खास इस सीजन नहीं कर पाए, 21 एंड 34 नॉट आउट के अलावा। बाकी लिंडे 26 नॉट आउट, 22 नॉट आउट, 21 इन्होंने फिनिशिंग ठीक ठाक की है। स्टेवर्ट का देखेंगे तो इनकी ज़्यादा बैटिंग नहीं आई है, दो इनिंग में एक में 19 नॉट आउट और दूसरे में 37,
इन्होंने दो इनिंग अच्छी खेली है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज बॉलिंग पर आते हैं, तो बॉलिंग में देखेंगे गाइज तो यहाँ पर फ्रेड ग्लासन के पास 12 ओवर की बॉलिंग में 5 विकेट है, हॉगन के पास 31 ओवर की बॉलिंग में 13 विकेट, स्टेवर्ट के पास 26 ओवर की बॉलिंग में 12 विकेट, रिचर्डसन के पास 22 ओवर की बॉलिंग में 7 विकेट, लिंडे के पास 27 ओवर की बॉलिंग में 5 विकेट, डेनली के पास 12 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट और लैनिंग के पास 10 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट्स हैं। ठीक है, लास्ट मैच का मैंने ओवर भी लिख दिया जिससे आपको ये पता चलेगा इस टीम के डेथ बॉलर कौन से। तो लास्ट मैच में एक ओवर क्लासन ने डेथ में डाला था 18वां, बाकी 19वां रिचर्डसन ने डाला था, 17वां हॉगन ने, ठीक है, और 20वां डाल दिया था लिंडे ने। नॉर्मली गाइज इनके लिए मेरे हिसाब से डेथ में 2 ओवर क्लासन को डालना चाहिए, ठीक है, और बाकी गाइज यहाँ पर रिचर्डसन भी 1-2 ओवर डेथ में डाल सकते हैं और 1-1 ओवर होगन डाल सकते हैं, लिंडे कम ही डालते हैं डेथ में। लास्ट मैच में मैच का सिचुएशन ऐसा था जिसके चलते उन्होंने डेथ में डाला। अब आगे बढ़ते हैं गाइज कैंट के लास्ट ईयर के स्टैट्स पर आते हैं, तो अगर आप लास्ट ईयर के स्टैट्स पर फोकस करेंगे तो इनके टॉप रन स्कोरर जो डैनली थे, फिर जॉर्डन कॉक्स का नाम आता है, फिर सैम बिलिंग्स का, फिर जैक लेनिंग का, फिर जॉर्ज लिंडे का, बाकी मुआयो स्टेबर्ट डैनियल बेल्ड्रामेट इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। विकेट्स में देखेंगे स्टेबर्ट टॉप विकेट टेकर थे, फिर क्लासन का नाम आता है, फिर लिंडे का और फिर जैक लेनिंग का। तो गाइज इस मैच के रिलेटेड जितना भी डेटा स्टैट्स आपको जानना था सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक आप जरूर करें वीडियो को, एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए रेगुलर वीडियोज बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए गाइज यहाँ पर अपनी ड्रीम 11 की टीम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज विकेट कीपर सेक्शन पर आएंगे, तो इस मैच में आपको खेलते दिख सकते हैं बेन वेन बेल्स वन डाउन पर या फिर ओपनिंग भी आ सकते हैं, बाकी जॉर्डन क्रॉक्स थोड़े नीचे आएंगे, फिनिशिंग करेंगे, अभी तक सीजन कुछ उतना अच्छा नहीं रहा है, वैसे काफ़ी अच्छे हिटर है आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नंबर वन चॉइस सैम बिलिंग्स है गाइज जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर है गाइज, बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने इनको डिफरेंट T20 लीग्स इंग्लैंड के लिए भी खेलते देखा है, तो मैं इनको जरूर टीम में लूँगा और फर्स्ट चॉइस यही रहेंगे मेरे लिए, भले ही उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है फिर भी मैं इनको बैक करूँगा। बाकी इनके अलावा गाइज रिल ऑप्शन भी इस मैच में खेलेंगे और वो ओपनिंग भी करेंगे और साथ में विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर है गाइज, साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो मैं इनको भी टीम में जगह देकर जा रहा हूँ, भले ही सिलेक्शन कम है लेकिन मैं इनको टीम में लेके जा रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पर कॉक्स को लेना चाहते तो ले सकते हैं, बेन वेल्स अभी यंग प्लेयर है गाइज, उतना स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। आते हैं बैटर सेक्शन पर गाइज, यहाँ पर आपको मिलेंगे बेन चार्ल्सवर्थ जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, अच्छा भी खेले हैं इस सीजन, आपको मिडल ऑर्डर में मिल जाएंगे खेलते हुए। बाकी मुआयो डिसेंट प्लेयर हैं, टेस्ट मैचेस में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, इस सीजन T20 में भी ठीक रहे, ओपनिंग पर आ रहे तो मे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी डैनियल बेल्ड्रामेट है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर, ओपनिंग पर मिल जाएंगे, अच्छा खेल रहे गाइज, अच्छे फॉर्म में है इस पूरे सीजन, लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं खेले थे। बाकी जो डैनली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर, इंग्लैंड के लिए भी खेल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिफरेंट T20 लीग्स में खेलने का, बैटिंग भी करते हैं साथ में कुछ बॉलिंग से भी अच्छा कर सकते हैं, तो इनको टीम में जरूर लूँगा गाइज। बाकी नेक्स्ट माइल्स हैमंड है, ओपनिंग पर है, इनकंसिस्टेंट प्लेयर है लेकिन लास्ट के दो मैचेस से अच्छा खेलें तो आप ले सकते हैं गाइज। जैक टेलर बिल्कुल फॉर्म में नहीं और बहुत नीचे आ रहे हैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा अभी के लिए गाइज, मैं डैनियल बेल्ड्रामेट और चार्ल्स के साथ हूँ। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर जहाँ पर ओलिवर प्राइस आपको 100% टीम में लेना है, ऑलरेडी 10 विकेट ले चुके हैं, रन्स भी मार रहे हैं, ठीक है, 3 डाउन पर आकर मस्ट पिक है। बाकी नेक्स्ट जैक लेनिंग है जो कि बैटिंग तो गाइज काफ़ी नीचे कर रहे हैं, बैटिंग आई नहीं है ज़्यादा लेकिन बॉलिंग कर रहे हैं 2-3 ओवर, ठीक है, अच्छा डिसेंट ऑलराउंडर है गाइज, लास्ट ईयर इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, आप ले सकते हैं अगर लेना हो तो, मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मैट टेलर है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग से कम ही रोल इनका रहेगा, बॉलिंग से 2-3 ओवर आपको डालते दिखेंगे, डिसेंट बॉलिंग ऑलराउंडर है गाइज, आप ले भी सकते हैं वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं लिंडे को ले रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे पूरे 4 ओवर और साथ में बहुत अच्छी फिनिशिंग भी करेंगे, बहुत अच्छे प्लेयर है गाइज, साउथ अफ्रीका से आते हैं, अंडररेटेड प्लेयर है लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है, कंप्लीट पैकेज है गाइज, आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट में यहाँ पर जफर गौहर को आप ले सकते हैं जो कि पाकिस्तान से आते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, साथ में कुछ रन करना भी जानते हैं, तो मैं इनको भी बैक कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छे डिफरेंशियल बन सकते हैं। एक और प्लेयर खेल सकते हैं गाइज, जीवन वुरन जो कि स्पिन डालते हैं साथ में अच्छे खासे रन भी करते हैं, अभी तक 2 ही मैच इस सीजन खेले हैं बैटिंग से, दोनों में काफ़ी इंप्रेसिव रहे, साथ में ये बॉलिंग में भी अच्छा करना जानते हैं गाइज, तो ये भी कमाल के डिफरेंशियल बन सकते हैं अगर खेलते हैं तो, ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है, बाकी और ज़्यादा प्लेयर के खेलने के चांसेस नहीं है। आते हैं बॉलिंग सेक्शन पर गाइज, जहाँ पर डेविड पेन आपके लिए मस्ट पिक है जो कि गोलकस्टर शायर के सबसे मेन फास्ट बॉलर हैं, डेथ में भी आपको 2 ओवर डालते दिखेंगे और साथ में स्टार्टिंग में भी,
बाकी नेक्स्ट माइकल होगन है, काफ़ी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, आप इनको ले सकते हैं। ज़्यादातर बॉलिंग स्टार्टिंग या फिर मिडल ओवर में डालते हैं, डेथ में कम डालते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। बाकी फिर नेक्स्ट आते हैं ग्रैंट स्टेवर्ट, जो कि कुछ रन भी कर सकते हैं सिक्स डाउन पर आकर, और साथ में बॉलिंग तो अच्छे करते हैं। लास्ट सीजन भी टॉप विकेट टेकर थे, इस सीजन भी टॉप विकेट टेकर हैं, आप डेफिनेटली गाइज इनको भी टीम में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉम स्मिथ आते हैं, एक और अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, विकेट टेकर बॉलर में से एक है गाइज, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं इनको। सिलेक्शन कम है लेकिन गेम चेंजर बन सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे से आते हैं फ्रेड क्लासन और यहाँ पर केन रिचर्डसन, दोनों काफ़ी कमाल के फास्ट बॉलर हैं। क्लासन आते हैं यहाँ पर गाइज नेदरलैंड से, वैसे ज़्यादा क्रिकेट इंग्लैंड में खेलते हैं, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट है, यॉर्कर इनके पास बहुत कमाल की है। बाकी रिचर्डसन आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिनके पास बहुत अच्छे वेरिएशन है, डेथ में भी डालने का इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों काफ़ी कमाल के फास्ट बॉलर हैं गाइज, और दोनों कमाल के गेम चेंजर बन सकते हैं, सिलेक्शन पर मत जाइए। बाकी नीचे से ज़्यादा यहाँ पर प्लेयर के खेलने के चांसेस है नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी गाइज आपके पास ऑप्शन चार है, माइकल होगन, ठीक है, स्टेवर्ट, उसके अलावा गाइज यहाँ पर क्लासन और रिचर्डसन, इन चार में से दो प्लेयर लेना है। मैं अभी के लिए क्लासन और रिचर्डसन के साथ हूँ, आपको यहाँ पर सेफ जाना हो तो आप होगन और स्टेवर्ट के साथ भी जा सकते हैं। तो ये बन जाता है गाइज अभी के लिए हमारा टीम का प्रीव्यू। अगर सीवीसी की बेस्ट ऑप्शन की बात करूँ तो सीवीसी के लिए जो मुझे बेस्ट ऑप्शन दिख रही है उनमें गाइज आते हैं जॉर्ज लिंडे, ठीक है, ओलिवर प्राइस, ये दोनों ऑलराउंडर तो आते ही हैं। साथ में बैटिंग से आप डेनली को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, और गाइस बिलिंग्स को भी। बिलिंग्स का भले ही गाइस ये सीजन उतना अच्छा नहीं रहा है, फिर भी कंसिस्टेंट प्लेयर है, मैं उनको सीवीसी के लिए आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चार बेस्ट मुझे सीवीसी के ऑप्शन दिखे हैं, इन्हीं में से अगर आप सीवीसी करेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। बाकी ग्रैंड लीग टीम में आप रियल ऑप्शन को सीवीसी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और गाइस यहाँ पर डेविड पेन को भी। अगर आप मुझसे पूछेंगे गाइस, तो अभी के लिए मेरे कैप्टन यहाँ पर प्राइस है और वाइस कैप्टन लिंडे, आपको चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास डेनली और बिलिंग्स भी अच्छे ऑप्शन है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। तो ये बन जाता है गाइस अभी के लिए हमारा टीम का प्रीव्यू। इसमें डेफिनेटली 100% टीम में चेंजेस होने वाली है, फाइनल टीम अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनल टीम अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले, और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।